मेवात में प्रतिभा की कमी नहीं है। खेल स्टेडियम, कोच तथा अन्य सुविधा नहीं मिलने के बावजूद भी यहाँ के बच्चे मेडल दिलाकर इस इलाके का नाम प्रदेश के साथ देश में भी रोशन कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस खेल में गोल्ड मेडल दिलाया है वह खेल देश भर के सिर्फ उन्हीं राज्यों में खेला जा सकता है जहाँ बर्फ पड़ती है। देश में ऐसे कम राज्य होने के कारण विंटर ओलंपिक खेल को फ्लोर पर भी सिखाना शुरू किया जा चुका है। बीते 19-21 मई को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित फ्लोर कर्लिंग गेम में नूह जिले के जजुका गांव की अंतिम ने मिक्स डबल ने गोल्ड मेडल दिलाया है और इसके अलावा इसी प्रतियोगिता में मिक्स डबल गर्ल्स टीम में शामिल अंतिम ने ब्रॉन्ज मेडल भी टीम के नाम कराने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें सीनियर टीम के सदस्य अंतिम आगामी 2-4 जून को हरियाणा के झज्जर में होने वाले हरियाणा स्टेट वुशु चैंपियनशिप में भी खेलने जा रही है। उसने अपने कोच, अभिभावकों को व इलाके के लोगों को भरोसा दिलाया है कि वहां भी वह गोल्ड पर कब्जा जमाने की हर संभव कोशिश करेंगी। अंतिम की इस कारनामे से जजुका गांव में खुशी का माहौल है। गांव में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है तो अपनी लाडली मेवाती छोरी को सिर आंखों पर बिठाने के लिए गाँव के लोग फूल मालाओं के अलावा मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए संवाददाता सोनू वर्मा की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मदन सिंह है जी। मैं इस बेटी का दादा हूँ और हमारी बेटी ने जो आज काम किया है वो हमारे इलाके में किसी ने नहीं किया और इससे और भी ज्यादा खुशी है पूरे हरियाणा में हमारी बेटी ये गोल्ड मेडल लाई है। हमसे कुछ नहीं हुआ, हमारे पिताजी ने भी आर्मी में थे, वो हमारे इसके पड़दादा जी, उन्होंने भी आर्मी में रस्सा खिंचाई में मेडल लिया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अब हमारी पोती ने, वो अपने दादा की पार्टी पे चली है और ये गोल्ड मेडल जीत के लाई है और मैं सभी गांव वालों की तरफ से इस बेटी को आशीर्वाद देता हूँ और हमारे गांव के बच्चे इसी तरह से मेडल लाते रहे और हमारे हरियाणा का देश का नाम रोशन करें। मेरा नाम श्री देवी है, मेरी पोती का नाम अंतिम है। मैं उम्मीद से बहुत करे बैठी हूँ और करे बहुत अच्छा लगा है पोती ऐसे लाई है। देखो नाम तो इसका अंतिम है लेकिन इसने हमारे परिवार में शुरुआत करी है, पूरे इलाके का नाम रोशन किया है और आगे भी उम्मीद है कि बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। सर मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा है, मेरे पापा मम्मी हैं वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और मेरे दोनों भाई हैं वो अच्छी सर्विस पे हैं, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं पूरा, इसलिए मैं उनको थोड़ा आगे ले जाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े, पहले ऐसी सोच रखूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। आज के जमाने लड़की जो लड़के कर रहे हैं वो लड़की कर रही है मेरी, मैं अपनी लड़की पे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी और इससे ज्यादा नाम रोशन करे अपने मम्मी पापा का सबका। मेरे को बहुत ही खुशी है, मैं इसका श्रेय अपने कोच मिस्टर अनिल गौर को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जाकर अपने हरियाणा के लिए एक गोल्ड ला सकूं। मैं अपने मम्मी पापा को भी उतना ही श्रेय देती हूं क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरी तरह सपोर्ट किया हर गेम के लिए। मेरे को उम्मीद तो पूरी पूरी है पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसमें भी गोल्ड ला सकूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।